हेलो दोस्तों, इंडिया इज लाइव के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम उज्जैन महाकाल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे महाकाल मंदिर के अंदर अभी है। और ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पे आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं कि भगवान शंकर का यहाँ मेन मंदिर है और आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग बिना टिकट के जाते हैं तो बाहर से ही दर्शन आप लोगों को करना होगा। और बाहर से ही जोर से मेरे सामने मंदिर का गेट आपको दिखा होगा, जहाँ पर टीवी स्क्रीन है ना, उसके नीचे मंदिर का गेट है। वहाँ पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना आरती हो रही थी। अभी शाम का वक्त था जिस समय मैं पहुँचा था और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। पहली बार में मैंने दर्शन नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला कि थे। दूसरी बार मैंने दर्शन किया था और इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं मुझे देखने को मिला, बहुत जल्दी जल्दी दर्शन हो रहा था। और आपको दूर से ही दर्शन करना था, पंडित जी आपका प्रसादी ले रहे थे और उसको चढ़ा कर फिर आपको वापस दे रहे थे कुल जाकर। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। अगर आप लोग सामने से भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग को वहाँ पे टिकट लेना होगा दर्शन का। 150 रुपये का शायद टिकट था, 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैं बता दूँ, प्रसाद आपको लेना है मंदिर से, चाहे तो आप नहीं लीजिएगा। मंदिर का प्रसाद थोड़ा सा महंगा होता है, 100 रुपये में मुझे 4 लड्डू मिले थे। लड्डू का साइज थोड़ा मतलब अच्छा था, बट 4 रुपये में 100 रुपये में केवल 4, तो बहुत कम था क्वान्टिटी। ये एक और मंदिर है, जब दर्शन आप करके आएंगे तो वहाँ काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। भगवान शंकर के, भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ भी आप दर्शन कीजिएगा, अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा आपको हर एक जगह। तो प्रसाद आपको लेना है तो आप बाहर से ले सकते हैं, 50 रुपये में आपको अच्छा सा प्रसाद का सेट मिल जाएगा, 50 रुपये मैक्सिमम, ठीक है। नहाने का अगर होगा तो मंदिर के बाहर जब प्रवेश आप करेंगे मंदिर में, तो नहाने के लिए एक बना हुआ है वहाँ पे वॉशरूम, या नहाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उनके बाथरूम को। और केवल 10 रुपये वो चार्ज करते हैं, वहाँ नहा सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने नहाया भी है तो फ्रेश हो सकते हैं और उसके बाद आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस तरह से दर्शन करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो सामने मंदिर है, यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने। ये मेन मंदिर जो है ना महाकाल का, महाकाल के मेन मंदिर के बाद ये दर्शन करने का ये स्थान है, ठीक है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगा था, काफ़ी इजली दर्शन हो गया। मैं लगता हूँ कि आधा घंटा में आपका दर्शन हो जाएगा, आधा घंटा से भी कम समय लगा था क्योंकि लाइन बिल्कुल खाली नहीं। और यही था कि आप दूर से भगवान शंकर को देख पाएंगे, ठीक है। तो सामने से देखना तो टिकट आपको लेना होगा, उसके लिए बुक करना होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम दर्शन करके आ चुके हैं और बाहर की साइड आप जब निकलेंगे दर्शन करने के बाद, तो भगवान शंकर का मंदिर के बगल जो दर्शन के लिए लाइन लगता है ना, ये यहाँ पे लाइन लगता है। आगे जाएंगे तो थोड़ा सा लाइन में आपको दिखाऊंगा। और मैं बता दूं, बैग लेके जा सकते हैं, मोबाइल कैमरा भी लेके, मोबाइल लेके जा सकते हैं, कैमरा का मुझे पता नहीं, मोबाइल पर्स सब कुछ लेके जा सकते हैं। केवल चेक होता है कि आपके पास क्या क्या है। अंदर लिखा रहता है कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट अंदर में सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो इसका कोई इशू नहीं है, आप ले जा सकते हैं। मैं बैग लेके गया था, बैग आपको चेक करने और चेक करवाने होते हैं, पुलिस आपका बैग चेक करता है, ठीक है ना। अब ये दोस्तों देख सकते हैं, जब बाहर आप निकलेंगे तो बाहर भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। भगवान शंकर का ये प्रतिमा है और हर एक भगवान का यहाँ प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगा, मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा मतलब इस मंदिर को सजाया गया है, मतलब इस मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया, देख सकते हैं काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बाहर में भी। और यहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया एक एक मूर्ति को देखने के लिए, काफ़ी सारे मूर्ति जो है ना लाइन से आपको देखने को मिलेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 500 से 1 किलोमीटर, मतलब 500 से 1000 मीटर तक आपको ये पूरा प्रतिमा बना हुआ है, ठीक है, हर एक भगवान का। काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पानी पीने, ठंडा पानी आपको पीने मिल जाएगा मंदिर परिसर के अंदर। जूते जो होते हैं वो फ्री में आप रख सकते हैं, मोबाइल भी फ्री में रख सकते हैं अगर आप जमा करवाना चाहें तो। मंदिर के अंदर कुछ भी आपको टेंशन नहीं है, आपको बाहर है कुछ भी जमा नहीं कराना, आप सारा कुछ मंदिर के अंदर जमा करवा सकते हैं या उनको कैरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कपड़े उपड़े हैं या कुछ कागज़ उगज है तो उसको आप बिना आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों देख सकते हैं कहीं कहीं बैठने के लिए यहाँ दिया गया है और बाहर भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। और स्टेशन से ये उज्जैन जो है ना, कि उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो स्टेशन से हम तुरंत आ गए, 2 किलोमीटर के दूरी पे नज़दीक पड़ता है, ठीक है। 20 रुपये आपको किराया लगेगा स्टेशन से महाकाल मंदिर तक आने का। और उसके बाद आपको यहाँ पे मंदिर के अंदर प्रसाद ले लेना, बाहर से प्रसाद ले लीजिए 50 रुपये का, ठीक है।
और बहुत सिंपल रास्ता है, ठीक है, यहाँ तक आने का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये दूसरे देख सकते हैं, अलग अलग मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक भगवान का, भगवान शंकर का, माता शक्ति का, ठीक है, काली जी का, ये माता पार्वती का, भारत माता का, हर एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक भारत माता का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह है दोस्तों, मंदिर के बाहर भी और मंदिर में दर्शन करने के बाद भी आप काफ़ी अच्छा समय यहाँ बिता सकते हैं, ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग बाहर आप बिल्कुल कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, बट वही है कि लिखा रहता है कि नहीं करना है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। और जगह दोस्तों बहुत अच्छा है, कोई भी आपको आने में दिक्कत नहीं होने वाला है, आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। और इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी था वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा जगह है दोस्तों, और ये आते वक्त मुझे रात हो गया था, मैं टाइमिंग बता दूँ मंदिर का, मंदिर का क्या टाइमिंग होता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। और ये भगवान शंकर का यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से मैंने अभी तक 5 लगभग घूमे हुए हैं, वाराणसी हो गया, उज्जैन महाकाल हो गया, उसके बाद मैंने मुंबई में 2, औरंगाबाद और नासिक 2, 4 हो गए, और एक देवघर का जो बाबा धाम है वहाँ घूमा। मैंने 5 ज्योतिर्लिंग अभी तक देखे हैं, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। कोशिश करूंगा कि सभी ज्योतिर्लिंग आपको घूम के मैं दिखाऊं बहुत जल्द, आने वाले 1 साल के अंदर मैं कोशिश होगा कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपको मैं अपने चैनल पे ही दिखाऊं और एक साथ दिखाऊं, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और ये भगवान हनुमान का, पंचमुखी हनुमान जी का ये मूर्ति है, काफ़ी विशाल मूर्ति यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से घूमने आते हैं लोग, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा प्रशासन है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ के प्रशासन, और बहुत ही सिक्वेंशियल तरीके से लाइन लगता है, काफ़ी जल्दी आपका दर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब काफ़ी कुछ फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है, पीने का पानी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा शीतल ठंडा पानी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ देखिए दोस्तों सामने काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा दोस्तों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मतलब घूमने आइए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे भगवान शंकर का एक बहुत ही विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत दूर तक ये घूमने का प्लेस है, जो मैं आपको आगे अंत तक दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ है यहाँ दोस्तों, और काफ़ी कुछ मुझे देखने को मिला, ठीक है। देखिए दोस्तों पीछे एक और है, पूरा ये सागर मंथन जो हुआ था वो प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगा, भगवान शंकर कैसे विष पी रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्रह्मा जी भगवान है, फिर सभी देवता है, सभी राक्षस है, शेष नाग को यहाँ खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे देखने को मिला, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा, और काफ़ी कुछ इस जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पीछे माता पार्वती का एक प्रतिमा मैं दिखाता हूँ, जहाँ गणेश भगवान छिपे हुए हैं माता पार्वती के पीछे, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रतिमा है, काफ़ी अच्छा मूर्ति है, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ मूर्ति देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों ये।